व्यूअर्स, आप सबका मेरे कुकिंग चैनल कुक विदाउट अ बुक में स्वागत है। फेस्टिव सीजन चल रहा है, हम बाजार से मिठाई तो हमेशा लाते रहते हैं, लेकिन घर में बने हुए मिठाई की लज्जत ही कुछ और है। ऐसे कई रेसिपीज हैं जो हम भूल जाते हैं। ये एक रेसिपी वैसे है जो मैं तो भूल गई थी, आपका पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी कि ये रेसिपी भी होती है और मैं अभी आपके साथ वो शेयर करूंगी। देखते हैं ये कैसे बनानी है। और आज हम बना रहे हैं चाचरी वाली मीठी पूरी। वैसे ये पूरिया बनाने के लिए मैदे का उपयोग होता है, लेकिन मैं सूजी का इस्तेमाल करूंगी। तो ये फाइन सूजी, बारीक वाली सूजी ले रही हूँ, 2 कप, 1 कप, 2 फ्लैट कप ले रही हूँ, और ये है दूसरा। ¼ टीस्पून नमक ले रही हूँ, फ्लैट टीस्पून लेना है, और इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। इस सूजी में एकदम गरम तेल डालना है, ये तेल 4 टेबलस्पून लिया है। मिक्सचर गरम है तो इसे पहले स्पैचुला से हिलाती हूँ। मिक्सचर थोड़ा ठंडा होने के बाद सूजी और तेल को हाथ से अच्छी तरह मिलाना है। सूजी में इतना तेल होना चाहिए कि जब सूजी को हाथ से दबाएंगे तो मिक्सचर का बॉल बनना चाहिए। डालना है 1/2 कप दही, 2 कप सूजी के लिए 1/2 कप दही लिया है। सूजी का जो डो बनेगा वो टाइट होना चाहिए। मुझे लगता है सूजी में पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाले हुए दही से ही यह डो बन जाएगा। तैयार डो को 2 से 3 घंटा ढक के रखना है। 2-3 घंटा रखने से सूजी फूलेगी। 2 घंटे बाद अगर डो ज्यादा टाइट लगे तो थोड़ा सा दूध का हाथ लेके इस डो को फिर से गूंदना है। बहुत अच्छा सूजी का आटा बन गया है। इसे ढक के रखना है 2 या 3 घंटे के लिए। तो मिलते हैं फिर से 2 घंटे बाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। आगे आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस के लिए बेल के आइकॉन पर क्लिक करिए। दो घंटे बाद आटे को खोल रही हूँ, लेकिन ये जरा सा सूखा सूखा सा लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें दूध डाल के इसे फिर से गूंदते हैं। जरा सा ही दूध लेना है क्योंकि ये डो लूज नहीं होना चाहिए। और जरा सा दूध लगेगा। अंदाज से 1/2 टेबलस्पून दूध लगा है। आटे को थोड़ी देर गूंदना है और ज्यादा स्मूथ बनाना है। बने हुए आटे को बट्टे से थोड़ा कूटते हैं ताकि जो पूरी बनेगी वो हल्की बनेगी और एकदम खस्ती बनेगी। ये डो अब एकदम सॉफ्ट बना है। इसकी अब पूरियां बनानी है, उसके लिए इसके पेड़े बनाते हैं। पूरियों को काटने के 2 तरीके दिखाती हूँ। 2 अलग शेप बनाते हैं। जो शेप आपको पसंद है उस शेप में आप पूरियां बना सकते हैं।
2 मिलीमीटर थिकनेस की एक बड़ी रोटी बनाते हैं और कटोरी से पूरियां काटते हैं तो सारी पूरियां साइज में और शेप में एक जैसी होगी। पूरी ना ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर थिकनेस की पूरी बनानी है। गोल शेप वाली पूरी तैयार है। अब दूसरी पूरियां ट्रायंगुलर शेप में काटते हैं। दिखने में मुझे ट्रायंगुलर शेप ज्यादा पसंद है, लेकिन आप अपने पसंद से पूरी को शेप दे सकते हैं। किसी बड़े ढक्कन से रोटी को ऐसे काटना है। मैंने जो ढक्कन लिया है उसका डायमीटर 6.25 इंच है। इस रोटी को गोल शेप में काटने के बाद इस तरह 4 पोर्शंस करते हैं। सारे ट्रायंगल्स काट के तैयार हैं और अब इन्हें तलना है। सारी पूरियों को ढक के रखना है। इन पूरियों के लिए चाचनी भी बनानी है, तो 2 कप सूजी के लिए 2 कप चीनी की चाचनी बनाते हैं। 1 कप चीनी और ये दूसरा। 2 कप चीनी में 1.5 कप पानी डालना है। 1 कप और ये 1/2 कप। इस चीनी को उबालना है। 1 तारी चाचनी बनानी है। इस बर्तन में 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालते चाचनी बना रही हूँ। 1 तार वाली चाचनी बनानी है और इस बर्तन में तेल गरम करने के लिए रखा है, जिसमें हम पूरियां तलेंगे। जैसे ही पूरी तल के तैयार होगी उसे तुरंत गरम चाचनी में डालना है। चाचनी के ऊपर का झाग जरा सा निकालती हूँ। चाचनी उबल रही है, गैस को लो करती हूँ और इसे कुछ देर के लिए उबलने रखते हैं। 2 मिनट बाद 1 तार वाली चाचनी बनेगी। तेल में आटे का छोटा सा टुकड़ा डाला है और ये फूल के ऊपर आया है, इसका मतलब है तेल गर्म हुआ है। तेल में पहले राउंड शेप वाली पूरी डालती हूँ। गैस को लो पे ही रखना है और पूरियों पे इस तरह से तेल छिड़कना है। तेल छिड़कने से पूरी फूल जाती है। चाचनी अभी थोड़ी पतली है, जब तक पूरियां तल के तैयार होगी ये चाचनी भी तैयार होगी। चाचनी में डालती हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर और जरा सा केसर। केसर में चीनी डाल के इसे थोड़ा सा पीस लिया है। डालना है 1 नींबू का रस। पूरी दोनों साइड से गोल्डन कलर की होनी चाहिए। चाचनी भी तैयार हुई है। चाचनी को लो गैस पे ही रखा है, उसे तुरंत गरम चाचनी में डालना है और तली हुई पूरी का दूसरा लॉट तैयार होने तक इन पूरियों को चाचनी में ही रखना है। चाचनी की हीट बीच बीच में बंद करेंगे और जब चाचनी ठंडी होने लगेगी हीट को फिर से ऑन करेंगे, क्योंकि चाचनी को गरम ही रखना है, ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब तलते हैं ट्रायंगुलर शेप्स की पूरियां। इन्हें लो गैस पे ही तलना है, ये एकदम खस्ता बनने चाहिए। इस तरह से ऑयल छिड़केंगे तो ट्रायंगल्स फूलेंगे। ये अभी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुए हैं, तो
तो इन पूरियों को निकालते हैं क्योंकि चाचनी में तले हुए ट्रायंगल्स डालने हैं। अगर काफी देर गर्म करने से चाचनी गाढ़ी हो जाए तो उसमें जरा सा पानी डालें। ज्यादा पानी नहीं डालें, चाचनी पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें डली हुई पूरियां सॉफ्ट होगी। ऑयल अच्छी तरह से निकालना है। ये पारंपरिक चाचनी वाली पूरी तैयार है। मैं इसे गार्निश करती हूँ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये रेसिपी आपको कैसे लगी और आपको ये मिठाई याद थी या नहीं। बची हुई चाचनी इन पूरियों पे डालते हैं। पूरियों को बादाम के स्लाइसेस से और चांदी के वर्क से गार्निश करते हैं। इन पूरियों को रबड़ी के साथ सर्व करती हूँ, लेकिन रबड़ी के साथ सर्व करना ऑप्शनल है। रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध को उबाल के 1.5 लीटर होने तक गाढ़ा किया है और इसमें चीनी और इलायची पाउडर डाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले। मेरा चैनल देखने के लिए, ये रेसिपी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।